वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज मिक्स मसाला। तो आज हम आ गए हैं चिंदी मार्केट में। तो ये चिंदी मार्केट क्या है आपको ऐसा लग रहा होगा ना, तो हम आपको चलिए दिखाते हैं कि चिंदी मार्केट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है और कितने अच्छे अच्छे फैब्रिक हैं यहाँ पे। आइए गाइस, हम आ गए डिजाइनर कलेक्शन में और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी में ड्रेसेस कपड़े फैब्रिक वगैरह है। तो हम चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है और आप क्या क्या सिला सकते हैं उससे। गाइस, हम अब चलते हैं इस शॉप के ओनर के पास जो डिजाइनर कलेक्शन के ओनर हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे उनका इंट्रो लेते हैं। हेलो, हमारी शॉप का नाम डिजाइनर कलेक्शन है और ये चिंदी मार्केट में स्टार्टिंग में ही है। हमारे पास में जो कपड़े हैं बहुत सारे वैरायटी में मिल जाते हैं। स्टार्टिंग हम प्लेन कपड़े से करते हैं। सर प्लीज़ अपना नाम पहले बता दीजिए हमारे दर्शकों को। माई सेल्फ साजिद सोलंकी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, इनके पास बहुत वैरायटी में कपड़े हैं और आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कुर्तियाँ बना सकते हैं, लहंगे बना सकते हैं। पर प्लेन में कौन से फैब्रिक में कौन सा एम्ब्रॉयडरी है, बनारसी फैब्रिक है, सब आपको इस शॉप में मिलेगा। और सर हमें प्लीज़ आप बताइए। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लेन कपड़े से। प्लेन कपड़े में आपको साटन का कपड़ा मिलेगा। इसे साटन कहते हैं ना? यस, साटन कपड़ा है। इसका साड़ी भी बनता है और पटियाला भी बनता है और कोई कोई नेट में अस्तर भी लगाते हैं। जैसे हम लॉन्ग गाउन बनाते हैं तो उसमें अस्तर के तौर पर डालोगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। यस, देखिए गाइस यहाँ पे हर कलर के साटन है। ये देखिए और आगे का नेक्स्ट बटर क्रेप पे, बटर क्रेप में सब कलर मिल जाएंगे आपको। इसका भी हम मतलब ये ज्यादातर अस्तर में जाते हैं। अस्तर में हाँ, और इसका शलवार और ब्लाउज वगैरह बना सकते हैं। कॉटन अस्तर के कपड़े हैं, प्लेन नेट है। कितने कलर सुंदर है गाइस, देखिए जरा। ये वाला प्लेन ऑर्गेन्जा कपड़ा है, इसका आप साड़ी, वन पीस, ड्रेस, लहंगा, दुपट्टा सब बना सकते हैं। इसमें आपको 10-12 कलर हमेशा मिल जाएंगे शॉप पे। सेम कपड़े में आपको प्रिंटेड भी मिल जाएंगे। ये सब प्रिंटेड ऑर्गेन्जा है, हमेशा 100-120 डिज़ाइन अवेलेबल हमेशा रहता है। तो गाइस इसमें से मैं तो एक ड्रेस ज़रूर बनाने वाली हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया है और मुझे डिजाइनर ड्रेस बनाने का बड़ा शौक है, तो मैं तो लेके जाने वाली हूँ इसे। ये जो कपड़े हैं इसका क्या क्या बनता है कैसे बनता है वो हम सब आइडिया देते हैं कस्टमर को। जैसे कि अभी देखो हमने यहाँ पे कैटलॉग बना के रखा हुआ है। कैटलॉग है क्या बनता है कैसे बनता है, सब पैटर्न्स है। ये कस्टमर के फोटोज ही है, मतलब यहाँ से उन्होंने फैब्रिक खरीदा और फिर सिल कर आपको। हाँ, गाइस मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से हर मैं कट पीस हर बनारसी कपड़े का सबका खरीद के लेके जाके एक एक ड्रेस सिलूँ, और मैं सिलती भी हूँ और मैं और भी लेके जाऊंगी। और इसमें भी आपके पास काफी कलर है, कलर्स डिज़ाइन बहुत सारी है बनारसी कपड़े में। आपको जो रेंज में चाहिए अलग अलग रेंज में है, 200 रुपये मीटर, 150 रुपये मीटर, ऐसे हर एक रेंज है इसका। तो गाइस देखिए, अगर आप इसकी साड़ी बनाना चाहेंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी। और ब्लाउज तो ये कौन सा फैब्रिक, मतलब नेट ही है ना ये तो? इसको हम लोग डिजाइनर नेट, एम्ब्रॉयडरी नेट बोलते हैं। इसका फैंसी घाघरे, लहंगा, ब्लाउज, वन पीस, साड़ी वगैरह, दुपट्टा वगैरह सब चीज़ बनती है। हमें पूरा चिंदी मार्केट घूमने की ज़रूरत ही नहीं गाइस, एक ही दुकान में हमें सारा कुछ मिल गया है। फिर भी हम चिंदी मार्केट आपको पूरा दिखाएंगे, पर एक ही शॉप में हमें सब कुछ कवर करने को मिल गया है। देखिए कलर कितना औसम है, ये थोड़े डिफरेंट है। ये देखिए पिंक कलर कितना प्रिटी लग रहा है। स्टेट
लाइनिंग में है, बहुत बहुत ही ऊपर देखिए, ऊपर वहाँ पे ब्लाउज भी लगा के रखे हैं गाइस, ऊपर देखिए वहाँ पे ब्लाउज भी लगा के रखे हैं, डिजाइनर ब्लाउज। तो गाइस देखिए ये कैसा लग रहा है, मैं इसे परचेस करूँ या नहीं करूँ, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, आज नहीं तो कल आप मुझे देखेंगे ज़रूर इस लुक में। तो आपको भी पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसा कुछ अगर आपको किसी शॉप में नहीं मिल रहा है तो एक कपड़ा मार्केट है, इसमें ज़रूर आपको मिलेगा। और कपड़ा मार्केट से अगर आपको ये एरिया नहीं पता चले तो आप चिंदी मार्केट भी इसे बोल सकते हैं। ये सब कपड़े का बॉलीवुड में ड्रेस वगैरह बनाते हैं ना, गाउन वन पीस वगैरह, वो कपड़ा है ये, जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर लोग कपड़ा यूज करते हैं वो कपड़े है। तो गाइस ये भी एक फैब्रिक देखिए जो हमने पहले दिखाया है आपको, लेकिन उसे ओपन करके नहीं दिखाया। तो ये देखिए ₹100। अगर आप ड्रेस वगैरह सिलते हैं उसमें काफ़ी अम्ब्रेला में, कुर्ती में लेसेस वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक से एक लेस है, छोटे लेस, मोटे लेस, ये देखिए साड़ी ओढ़नी साड़ी के लिए ऐसा पूरा बंडल आपको मिलेगा। ये फैब्रिक मैं खरीद रही हूँ, मुझे सिंपल सी कुर्ती सिलना है, तो मैं मुझे 2 मीटर में होगा काफ़ी होगा, तो मेरे लिए 2 मीटर निकाल दीजिए। मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें सजेस्ट किया ये व्लॉग बनाने के लिए, काफी सजेस्ट किया है। और तो हाय गाइस, अब हम आपको पूरा कपड़ा मार्केट दिखाते हैं, और अगर आपको यहाँ का एड्रेस चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन जरूर कर देंगे। आप भी यहाँ पर आइए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदिए, अच्छे अच्छे कुर्ती पहनिए, अच्छे अच्छे लहंगे पहनिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनिए, मतलब लेडीज़ के लिए इतनी सारी वैरायटी है ना। तो चलिए आगे भी दिखाते हैं। देखिए हमारा कपड़ा मार्केट, और जो डिजाइनर कलेक्शन में हम आए थे वो बस एंट्री करते ही सेकंड दुकान है, सेकंड एंट्री करते ही हमारा सेकंड शॉप है जिसमें हमें सारी वैरायटियां मिल गई हैं। तो गाइस ये देखिए पूरा कपड़ा मार्केट है, हम अगर यहाँ पर घूमने गए तो मतलब पूरा दिन चला जाएगा हमारा एक एक शॉप में इंट्रो लेते लेते, इसलिए हम आपको ये गाइस हमने साजिद भाई के शॉप पे आपको सारी वैरायटियाँ दिखा दी है, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, लहंगे के लिए हर एक चीज़ के लिए आपको मिल जाएगा, और हमने सारी वैरायटियाँ आपको दिखा दी है। और यहाँ पे नाइट गाउन के लिए भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, वो भी आप यहाँ पर आकर विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।